₹10 का जो है वो 4 पीस यहाँ पे मिल रहा है। अभी 8 दिन हुआ और 25-30 किलो के आसपास बेच देते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मुसरमपुर हाट में और मुझे एक अच्छा यूनिक चीज दिखा है, मुझे हरियाणा स्पेशल गर्मा गर्म जलेबी। तो आइए भैया से बात वगैरह करते हैं और यहाँ पे है उनका रेट वगैरह भी इनसे हम पूछते हैं। आइए और बात करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो कस्टमर के बाद भैया से हम बात करेंगे। यहाँ पे भैया जो है वो मतलब यहाँ पे ग्राहक जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं और इनका एक खास बात मुझे अभी तक नज़र आया कि ये मतलब वो जलेबी पे नारियल पानी डाल करके देते हैं, तो कस्टमर कंटिन्यू आते ही रह रहे हैं। तो जैसे ही कस्टमर का एंड होता है वैसे ही हम भैया से बात करेंगे। तो कहाँ से हैं भैया आप? हम हैं राजस्थान। राजस्थान में जोधपुर से ना? जोधपुर जिला। जो पहले ही बात हो चुका था जोधपुर से, और यहाँ पे आपको हरियाणा का स्पेशल गर्मा गर्म जलेबी खिलाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लीजिए फेमस है और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, देख सकते हैं मतलब यहाँ पे ग्राहक भी है पूरा और गर्मा गर्म जलेबी खिलाते हैं। रेट वगैरह क्या रखे हैं आप यहाँ का? 160 रुपये। 160 रुपये के जी? 160 रुपये के जी है। तो चलिए अभी हम लोग टेस्ट करके बताते हैं। तो 100 ग्राम दीजिएगा। जलेबी वगैरह ले लिए हैं और ऐसा नहीं है कि ठंडा है, मतलब बहुत पहले से बनाया हुआ है लेकिन गर्म भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये नारियल ऊपर से छिड़क के देते हैं, नारियल का चूरन जो होता है वो छिड़क के देते हैं। और हमारे पीछे देख सकते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि भीड़ है, भीड़ नहीं है, मतलब कंटिन्यू यहाँ पे भीड़। हम जब आए थे ना ये पूरा जो उनका प्लेट है वो भरा हुआ था, अभी जो है आधा लगभग खाली हो चुका है। बाकी टेस्ट करके बताते हैं कि वाकई में इनका है टेस्ट वगैरह या फिर वैसे ही है। टेस्ट वगैरह जो है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब अच्छा है। बाकी रेट वगैरह तो आपको बताएं दिए, बाकी और आपको चीज़ें दिखाते हैं और बहुत से लोगों से यहाँ पे जो खा रहे हैं उनसे रिव्यू लेते हैं कि यहाँ का जलेबी कैसा रहता है। बाकी मुझे तो अच्छा लगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे रेट वगैरह जो है वो लगाया गया है, यहाँ पे 1 kg जो है 160 रुपये किलो और 10 रुपये का जो है वो 4 पीस यहाँ पे मिल रहा है। बाकी देख सकते हैं मतलब भीड़ जो है वो ऐसा नहीं है कि आए रुक ही रहा है, मतलब कंटिन्यू जो है वो आ ही रहा है और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि अकेले हैं, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, ये आपको दिख रहे हैं 3-4 जितने भी हैं वो सारे आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भाई जी यहाँ पे 3 भाई मिले हैं तो इनसे पूछते हैं हम कि कैसा रहता है यहाँ जिले में, कैसा रहता है भैया? मतलब ये आप यहीं पे रहते हो, पढ़ते हो? यहाँ पे पढ़ाई करते हैं भैया लोग और यहाँ पे जलेबी वगैरह मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये लोग ही बताए हमें और ऐसा सुनने को भी मिला था हमें, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस वगैरह जो है वो स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, और मतलब गर्मा गर्मी यहाँ पे गर्मा गर्म जो है, हम जब आए थे ना वहाँ पे एक प्लेट पूरा था और पूरा एक प्लेट जो है वहाँ से यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब इतना डिमांड है यहाँ पे और कंटिन्यू मतलब बन ही रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबी जो है वो तला आ रहा है और कितना ही मस्त लग रहा है आपको। और जैसे है ना थोड़ा देर में मतलब अभी खत्म हुआ, आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो गया। तो वाकई में टेस्ट तो अच्छा था। बाकी भैया बोल रहे थे कि हम बना रहे हैं तो प्रोसेस भी दिखा दीजिए कि कैसे हम बनाते हैं। तो प्रोसेस वगैरह भी जो है वो डाल रहे हैं उसमें ग्रेवी में, उसको क्या बोलते हैं सीरा बोलते हैं ना? सीरा बोलते हैं। और एक दिन में लगभग कितना मतलब बिक्री हो जाता होगा, कितना बनाते हैं? अभी तो 8-10 दिन हुए खोले हुए। अच्छा, अभी धीरे धीरे जमेगा तब ज्यादा चलेगा। अच्छा, 8-10 दिन हुए। ठंड का मौसम आता रहेगा ना तब ज्यादा चलेगा। अच्छा, वैसे अभी कितना मतलब हो जाता होगा? अभी हो जाता है लमसम 4,000-5,000। नहीं, किलो कितना किलो बेच देते हैं? किलो मतलब 20 किलो 25 किलो 30 किलो। मतलब अभी 8 दिन हुआ और 25-30 किलो के आसपास बेच देते हैं। तो ऐसा है कुछ, देख सकते हैं। और गर्मा गर्म जैसे ही बनकर रेडी होता है वैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब रहता है। तो गर्मा गर्म तो यहाँ पे मिलता ही है जलेबी, जैसे कि देख सकते हैं अभी प्रोसेस जो है वो बनने की मतलब चल ही रहा है।